नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की और केशव प्रसाद मौर्य के साथ उन तस्वीरों की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी हलचल मचा रखी है। ये तस्वीरें जेवर एयरपोर्ट के सरकारी कार्यक्रम की हैं और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ खूब गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक तस्वीर, एक वीडियो ये भी है कि जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो केशव मौर्य को अपने बगल में लाते हैं, एक तरफ से उनका हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ थामते हैं और फिर दोनों के हाथ को जनता के बीच में उठा देते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मंच पर प्रधानमंत्री ने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के साथ ऐसा किया जो अमूमन वो नहीं करते। अमूमन प्रधानमंत्री स्टेज पर पहुंचते हैं और लोगों का अभिवादन करते हैं, लेकिन यह शायद इकलौता ऐसा मौका हो या शायद बिरले ही ऐसा मौका हो जब सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ केशव मौर्य का हाथ थामा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हाथ थामा और दोनों के हाथ को जनता की तरफ उठाकर यह दिखाने की कोशिश की कि दोनों एक हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों हमारे हैं। तो आखिर इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या वजह है कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी केशव मौर्य के साथ 4 मिनट तक बातें करते दिखे? ऐसी कौन सी वजह है कि उन्होंने मंच से केशव मौर्य की तारीफ में कई बातें कही, उन्हें कर्मठ और अपना पुराना साथी बताया? मंच से, जेवर के मंच से ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? तो समझ लीजिए, दरअसल केशव मौर्य पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। हालांकि उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व और बीजेपी के लोग इस बात को जान रहे थे कि केशव मौर्य नाराज हैं और उसकी वानगी भी कुछ ऐसे समझिए कि हाल में प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े कार्यक्रमों को लेकर दौरे पर थे। कुछ हफ्ते पहले वो कुशीनगर में थे जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, केशव मौर्य वहां नहीं थे। सिद्धार्थनगर में और वाराणसी में थे जहां पर उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, वहां भी केशव मौर्य नहीं थे। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, केशव मौर्य वहां भी नहीं थे। महोबा में, बुंदेलखंड में उन्होंने बिजली, पानी और जल, नल जल योजना की शुरुआत की, सिंचाई योजना की बड़ी योजना को का शुभारंभ किया, उसमें भी वो नहीं दिखे। और साथ साथ झांसी में जहां पर डिफेंस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के उस किले में, केशव मौर्य वहां भी नहीं दिखाई। यही नहीं, 3 दिनों तक जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में थे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, जब अमित शाह भी यहां मौजूद थे, तब भी केशव मौर्य लखनऊ में नहीं थे, वो धार्मिक यात्रा पर जा चुके थे। तो क्या सचमुच केशव मौर्य किसी बात को लेकर अपने नेतृत्व से नाराज थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की? केशव मौर्य ने कभी भी अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर किसी मंच से नहीं कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी घटती हुई सक्रियता, उनकी सक्रियता कम होना यह दिखा रहा था कि वो नाराज हैं और नाराजगी जाहिर करने का उनका एक अपना तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई डैमेज कंट्रोल किए और जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में राजभवन में मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर चहलकदमी की, तो उसी दिन दिल्ली लौटते समय केशव मौर्य की पीठ भी उन्होंने थपथपाई थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मालूम है कि उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो ओबीसी वोट बैंक उनका इंटैक्ट होना चाहिए और केशव मौर्य की नाराजगी बीजेपी को इसलिए भारी पड़ सकती थी क्योंकि बीजेपी के भीतर केशव मौर्य ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे। पिछले कुछ दिनों में केशव मौर्य थोड़े दरकिनार दिखाई इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले रखा था और वो स्टैंड ये कि उनके मुताबिक 2022 के चुनाव के बाद ये तय होता कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि चुनाव के बाद
मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा और बीजेपी अपने कमल निशान पर लोगों के बीच वोट मांगने जाएगी। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की एक सभा में ये साफ कर दिया था कि 2022 के चेहरे के तौर पर ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, बल्कि 2022 के बाद भी उनकी जरूरत है, यानी कि 2022 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। कुल मिलाकर नेतृत्व के विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी के बाद से ही केशव मौर्य नाराज थे, बड़े कार्यक्रमों में वो दिखाई नहीं दे रहे थे और उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही थी। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को खुद प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अपने हाथ में लिया और उसे ठीक करने की एक बड़ी कोशिश की है। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और प्रधानमंत्री के का जो बॉडी लैंग्वेज था, भाव भंगिमा थी, जिस तरीके से केशव मौर्य को जेवर के उस मंच पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई, ये साफ हो गया कि 2022 के चुनाव में उनकी भूमिका को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आने वाले वक्त में अब देखना यह होगा कि बीजेपी का नेतृत्व केशव मौर्य का इस्तेमाल कैसे करता है और केशव मौर्य इसके बाद क्या सचमुच उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है और क्या एक बार फिर उनकी सक्रियता वैसे ही होगी जैसे लोगों ने 2017 में देखी थी। यह तमाम बातें आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।